हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो BHEL की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और ये एक अच्छी बात ये है कि ये गेट के थ्रू नहीं है, मतलब विदाउट गेट होगी ये। और इसमें अपन को एक एग्ज़ाम देनी होगी जिसके बाद में अपना इंटरव्यू होगा और उसके बाद में अपना सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है BTech स्टूडेंट्स के लिए और MBA स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो तो अपन इसका देखते हैं कितनी क्या, और उसके बारे में अपन सारी डिटेल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 145 वैकेंसीज हैं। उसमें मैकेनिकल के लिए 40 हैं, इलेक्ट्रिकल के 30, सिविल के लिए 20, ऐसे सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग सारी वो दे रखी हैं डिटेल्स, जो कि इसमें आपको ये दिखाया गया है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या में कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो मैकेनिकल में फ्रेंड्स, मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने सब्जेक्ट हैं और इसमें केवल टेक्निकल पेपर ही होगा। और उसके अलावा फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या है कि 1:7 में लेंगे, मतलब जितनी सीट है उसके 7 गुना हर कैटेगरी वाइज लेंगे। और फिर उसका उनका इंटरव्यू होगा और रिक्वायरमेंट है जो भी इनकी। तो सिलेबस में सभी के अलग अलग, सभी जो ब्रांचेज हैं उनके अलग से सिलेबस दे रखा है। तो ये फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। और अपन चलते हैं इसके कि कितना क्या इसकी कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो अपन इसका पूरा प्रोसीजर देखते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड में। और ये किया है या डिस्कस किया है इन्होंने, जो कि BHEL ने डिफाइन किया है। और इसमें फ्रेंड्स आपने लिए कुछ नहीं है मेन, तो जो ये रेशियोज में दे रखा है कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1:7 में लेंगे, जो कि जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी की 7 गुना मतलब मेंबर्स लेंगे और फिर उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन देखते हैं कितनी इनकी सैलरी होगी, क्योंकि अपने को मेन तो वही काम है। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन जब ट्रेनिंग पे होंगे तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो होगा वो 50,000 रुपीज़ अपन को मिलेगा। और उसके बाद में जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में ये आपको देखो ये बेसिक सैलरी दिखा रहे होंगे आपको। देखो ये फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है ना आपको, तो ये इसकी बेसिक पे है और ये यहाँ पे 60,000 से 1,80,000 रुपये तक दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो टोटल CTC होगा एक एक पर्सन पे वो 12 लाख रुपए होगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका सैलरी के बारे में डिटेल्स थी। अब डेट कब से स्टार्ट होगी, कब से और इसका लास्ट डेट कब है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें फीस है, एप्लीकेशन फीस है वो 500 प्लस प्रोसेसिंग चार्ज भी है इसमें। तो ये जो जनरल और जनरल के लिए होगा वो कितने होंगे, 500 एंड प्रोसेसिंग फीस GST फॉर UR एंड OBC, मतलब 800 रुपये तो कम से कम किसके लिए लगेंगे, 800 किसके लिए लगेंगे, जनरल और OBC के लिए। और अपन बात करें SC और ST के लिए कितने लगेंगे, प्रोसेसिंग टाइम फॉर SC एंड ST, तो SC और ST वालों के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस होगी जो लगेगी। तो जनरल और OBC के लिए कितने हो गए टोटल, 800 रुपये, और SC और ST के लिए 300 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसकी ओपनिंग डेट
ओपनिंग डेट इसकी है 16 अप्रैल, 16 अप्रैल है इसकी ओपनिंग डेट, और लास्ट सबमिशन डेट है 6 मई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन तो है 6 मई, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो 8 मई का है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 मई का। और जो एग्जामिनेशन डेट जो BHEL वालों ने बताई है वो 25 और 26 मई को बताइए। तो फ्रेंड्स, इसको पूरा ध्यान रखते हुए इसकी स्टडी करें और अच्छे से जॉब लगें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।